गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी इट इज अ करंट एंड वेरी हॉट टॉपिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखिए आप लोग जीएसटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टैक्स के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे बेसिक डिस्कशन करेंगे क्लियर उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे क्लियर नाउ पॉइंट इज दो चीजें मुझे यहां डिस्कस करनी है या ऐसा कह सकते दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं फर्स्ट इज व्हाट इज टैक्स एंड सेकंड इज ये टैक्स लगाया क्यों जाता है सो दो क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं फर्स्ट इज व्हाट व्हाई टैक्स या ये टैक्स लगाया क्यों जाता है टैक्स होता क्यों है एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स ये टैक्स होता क्या है क्लियर तो जीएसटी शुरू करने से पहले दो बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूं व्हाई टैक्स कि ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है एंड सेकंड इज व्हाट इज टैक्स नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यार ये टैक्स क्यों लगाया जाता है देखिए आप लोग कोई भी गवर्नमेंट उसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करे और जब गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए पैसा चाहिए पैसा होगा तभी तो खर्च कर पाएगी और गवर्नमेंट को ये पैसा ये फंड ये रेवेन्यू कहां से मिलती है टैक्सेस से क्लियर तो ये टैक्स क्यों लगाया जाता है उसका रीजन ये है प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करना इन एक्सपेंडिचर को करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए गवर्नमेंट को फंड चाहिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और ये फंड या रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है टैक्स लगाती है क्लियर नाउ क्वेश्चन बनता है कि ये टैक्स होता क्या है व्हाट इज टैक्स मैं लिख रहा हूं टैक्स क्या होता है इट इज एनफोर्स्ड मॉनेटरी पेमेंट अंडर एनी एक्ट व्हाट इज टैक्स टैक्स इज अ एनफोर्स्ड मॉनेटरी पेमेंट अंडर एनी लॉ दो तीन बातें करी है फर्स्ट इट इज अ एनफोर्स्ड पेमेंट सेकेंड इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट एंड थर्ड ये पेमेंट किसी न किसी लॉ के अंदर लगाया जाता है क्लियर सो टैक्स क्या होता है इट इज अ एनफोर्स्ड मॉनेटरी पेमेंट फर्स्ट पॉइंट टैक्स इज अ मॉनेटरी पेमेंट जो पब्लिक गवर्नमेंट को करती है और जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट हमें कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लियर तो टैक्स क्या है ये एक मॉनेटरी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं जिसके बदले में गवर्नमेंट हमें कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है सो इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है इट इज अ एनफोर्स्ड पेमेंट एनफोर्स्ड का मतलब इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट जो किसी न किसी एक्ट में लगाया जाता है कहने का मतलब यह हुआ टैक्स कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है वॉलंटरी का मतलब इच्छा से टैक्स कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है यह कोई डोनेशन की तरह नहीं है यह कंपल्सरी पेमेंट है एनफोर्स्ड पेमेंट है आपको देना ही पड़ेगा मान लो किसी पर्सन का 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स बाकी चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया उसने उसे डिमांड नोटिस भेज दिया कि आओ 5 लाख रुपए जमा कराओ अब उस पर्सन के आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है वो इस पोजीशन पे ही नहीं है कि वो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे कर सके मेरा क्वेश्चन ये है क्या वो पर्सन गवर्नमेंट को बोल सकता है अभी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है जब ठीक होगी तब मैं दे दूंगा नो
because it is not voluntary payment, it is enforced payment जो किसी ना किसी लॉ में लगाया जाता है. क्लियर? सो बेसिक डिस्कशन हमने ये किया कि टैक्स लगाने के पीछे मेन पर्पस क्या होता है, कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करे. इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. ये पैसा कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. और टैक्स कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है कि आपकी इच्छा है तो करो, इच्छा न है तो मत करो. नो, इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट प्लस एनफोर्स्ड पेमेंट जो किसी न किसी लॉ में लगाया जाता है. क्लियर? ये आप लोग जानते हैं. वर्ल्ड में कहीं पर भी हम बात करें, टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. टैक्स दो तरह के होते हैं. डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूं इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूं जीएसटी, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. या मैं बात करूं कस्टम ड्यूटी, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. तो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है. बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे. मेनली देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में दो डिफरेंस देखे जाते हैं. क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड. डायरेक्ट टैक्स है जो इसका नेचर होता है, इट इज, या मैं ऐसा कह सकता हूं, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बर्डन इज या बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जबकि इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दूसरा जो मेन डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये अच्छा है, एक सेंस में प्रोग्रेसिव नेचर का है, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. बट अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, ये इस सेंस में थोड़ा खराब है, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर. इट इज रिग्रेसिव इन नेचर. क्लियर? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मीनिंग क्या हुआ कि जो पर्सन पर डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स लगाया जाता है, वो ही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा. दैट मीन्स जो पर्सन टैक्स का बर्डन ले रहा है वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा. ये बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं हो सकता. ये टैक्स तो आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा, आप किसी दूसरे पर्सन से रिकवर नहीं कर सकते. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसका बर्डन एक पर्सन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट करता है. और फाइनली बर्डन कौन लेता है? कंज्यूमर, जो उस गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई प्रोडक्शन किया, हमने कोई सेल करी, हमने कोई सर्विसेज दी, हम बिजनेसमैन है, तो क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी. मैं ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, लेकिन कैसे? अपने कस्टमर से रिकवर करके. इसका मतलब भले ही पेमेंट करने की ड्यूटी किस पर है? मुझ पर. बट मैं पैसा रिकवर किससे करूंगा? मेरे कस्टमर सर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी किस पे लगाई जाती है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज यूएसए से इंपोर्ट करी, कस्टम ड्यूटी लगेगी. मैंने गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी दे दी, बट अल्टीमेटली ये मैं रिकवर किससे करूंगा?
मेरे कस्टमर से. दैट मींस डायरेक्ट टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं हो सकता. ये पैसा तो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन एक पर्सन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकता है, करता है. और फाइनली बर्डन कौन लेता है? फाइनल कंज्यूमर. क्लियर? सेकंड, ये एक प्रोग्रेसिव नेचर का है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है. क्या मतलब होता है प्रोग्रेसिव नेचर का? प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जिन लोगों में टैक्स पे करने की एबिलिटी ज्यादा है या जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. जैसे अगर आपको इनकम टैक्स का बेसिक नॉलेज भी है तो आपने वहां रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करी होगी कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगता ही नहीं है. 2.5 से लेके 5 लाख के गैप पर 5%, 5 से लेके 10 लाख के बीच में 20%, और जो लोग 10 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं वो 30%. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जो बहुत कम कमाते हैं हम टैक्स नहीं लेंगे, थोड़ा ज्यादा 5%, और ज्यादा 20%, और उससे भी ज्यादा तो कितना 30%. दैट मीन्स जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं वो ज्यादा टैक्स देंगे और ज्यादा रेट से देंगे. जिन लोगों में अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, रिच लोग, हाई टैक्स पे करें और जो पुअर है वो कम टैक्स दे. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सभी लोगों को, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, अमीर और गरीब, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करता है. मान लो आपने कोई गुड्स परचेज किया, कोई सर्विसेज आपने ली और उस पर जीएसटी की रेट मान लीजिए 10% है फॉर एग्जाम्पल, तो भले ही वो गुड्स, भले ही वो सर्विसेज एक रिच पर्सन कंज्यूम करे या पुअर पर्सन, दोनों को 10% जीएसटी ही पे करनी पड़ेगी. मान लो आपने पेन इंपोर्ट करी और इस पर कस्टम ड्यूटी मान लो 10% है, तो चाहे रिच पर्सन इंपोर्ट करे तो भी 10% देगा और पुअर पर्सन इंपोर्ट करे तो भी 10% देगा. दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी अर्निंग एबिलिटी क्या है उसके हिसाब से नहीं लगाया जाता है, सभी पर्सन को एक ही तरीके से ट्रीट करता है. दैट मीन्स ये रिग्रेसिव नेचर का है. क्लियर? तो देखिए दोस्तों, हमें जीएसटी स्टार्ट करना है और मैंने आपको जस्ट बेसिक नॉलेज दिया है टैक्सेस के बारे में. क्या डिस्कस किया? सिंपल सी बात कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. क्यों? क्योंकि उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करने हैं. ये एक्सपेंसेस करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. ये फंड गवर्नमेंट कहां से कलेक्ट करती है? टैक्स लगाकर. टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे टैक्सेस होते हैं. मैंने दो ही एग्जाम्पल लिए, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दो डिफरेंस है. डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता ही है और फाइनल बर्डन फाइनल कंज्यूमर लेता है. डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है, आपकी अर्निंग एबिलिटी के अकॉर्डिंगली दिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है. आपकी अर्निंग एबिलिटी नहीं देखी जाती है, रिच और पुअर सभी एक ही तरीके से पे करते हैं, एक ही रेट से पे करते हैं. क्लियर? सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टैक्सेस के बारे में, आप इसके बारे में नोट करिए. देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुछ जीएसटी के बारे में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हम लोग आगे. मेन इंट्रोडक्शन था,
देखिए आप लोग, जीएसटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि भाई हम जीएसटी स्टार्ट तो कर लेंगे, पर ये तो देखे व्हाट इज जीएसटी, यार ये जीएसटी है क्या। तीन वर्ड लिखूंगा और उस तीन वर्ड के अंदर जीएसटी का नेचर आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज अ कॉम्प्रेहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट इज जीएसटी? तीन बातें मैंने लिखी है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रेहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्लियर? मल्टी स्टेज के लिए और मैं टर्म काम में ले सकता हूं, दैट इज इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर? सो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज अ कॉम्प्रेहेंसिव मल्टी स्टेज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्लियर? फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्रेहेंसिव, क्या कहना चाह रहा है? देखो जीएसटी अभी अभी जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस की गई है, बट जीएसटी से पहले की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे, कुछ के नाम शायद आपको पता हो, जैसे आप प्रोडक्शन करते थे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, प्रोडक्शन करने के बाद आप सेल करते थे तो सीएसटी लगती थी, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो, विद इन द स्टेट सेल करते हो तो वैट चार्ज होता था पर्टिकुलर स्टेट का, अगर आप सर्विसेज की बात करें तो सर्विस टैक्स लगते थे। दैट मींस जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। अब हमारा जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो इस तरफ चल रही है, वन नेशन वन टैक्स, एक कंट्री और एक ही टैक्स होना चाहिए, और इस कंसेप्ट के कारण गवर्नमेंट ने जो जीएसटी इंट्रोड्यूस की है उसमें करीब करीब गवर्नमेंट ने पुराने 17 टैक्सेस को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक टैक्स लाया है, एंड दैट इज जीएसटी। सो इट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव, दैट मींस बिफोर जीएसटी देर आर सो मेनी टैक्सेस, उन सब की जगह गवर्नमेंट ने एक टैक्स चार्ज किया है, एंड दैट इज जीएसटी। सो इट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव टैक्स। सेकेंड इज जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, और मैं कह सकता हूं इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। मल्टी स्टेज का मतलब ये टैक्स कई स्टेजेस पर लगाया जाता है, बहुत डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं ये मल्टी स्टेज या वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एडेड या मल्टी स्टेज का मतलब, मान लो ए एक मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया होगा, उसके बाद इसने ये किसको सेल कर दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने मान लो किसको सेल कर दिया, होलसेलर को, होलसेलर ने किसको सेल कर दिया, रिटेलर को, और रिटेलर से फाइनली गुड्स कहां चला गया, फाइनल कंज्यूमर। ये नॉर्मली चेन होती है। क्लियर? मान लीजिए ए ने बी को सेल किया है 100 रुपए में कोई पर्टिकुलर चीज, बी ने सी को सेल किया फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए एड करके 120 में, सी ने डी को सेल किया है 150 में, और फाइनली डी ने ई को सेल किया है 180 रुपए में। क्लियर? नाउ जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, दैट मीन्स कोई एक पर्सन टैक्स नहीं पे करेगा, हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। किस पर? वैल्यू एडिशन पर। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, दैट मीन्स ए तो टैक्स किस पे देगा, 100 रुपए पर, लेकिन बी ने जब सी को सेल किया है तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 20 रुपए का। इसका मतलब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उस पर टैक्स कितने पे लगेगा, 20 रुपए पर। आगे जब सी डी को सेल करेगा, होलसेलर रिटेलर को, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है,
120 रुपए की चीज 150 में, वैल्यू एडिशन कितना हुआ है 30 रुपए पर टैक्स चार्ज होगा। डी ई को सेल करेगा, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है 30, कितना चार्ज करेगा 30 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी में कोई फर्स्ट पॉइंट पर टैक्स नहीं लगाया जाता है या लास्ट पॉइंट पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कितना जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेज पे तो 100 पूरा, सेकेंड स्टेज पे एडिशन कितना हुआ 20 पर टैक्स लगेगा, नेक्स्ट पर 30 पर टैक्स लगेगा, फोर्थ में एडिशन कितना हुआ है अगेन 30, फिर 30 पर टैक्स लगेगा। और ये जितना भी टैक्स लग रहा है हर स्टेज पर, अल्टीमेटली बर्डन किस पे जाएगा, फाइनल कंज्यूमर पर। क्लियर? इसके लिए हम बात करेंगे आगे जाके किस तरीके से चेन वर्क करती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे चलता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ सकते हो जीएसटी इज अ कॉम्प्रेहेंसिव, बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स, इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, तो लास्ट पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट टैक्स नहीं है, हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता है, कितना जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इंडिया में यह कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा नया है, जीएसटी के साथ ही आया है, उससे पहले डेस्टिनेशन जैसी बात इंडिया में किसी भी एक्ट के अंदर नहीं थी। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कंजम्पशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, दैट मींस उस गुड्स या सर्विसेज को जो स्टेट कंज्यूम करेगा वो स्टेट सारी की सारी रेवेन्यू लेगा। फॉर एग्जाम्पल हम राजस्थान के हैं, क्लियर, और राजस्थान वाले पर्सन ने कोई चीज महाराष्ट्र में सेल करी है, तो दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, एक राजस्थान और दूसरा महाराष्ट्र। सोचो वो गुड्स कहां कंज्यूम हुआ है, महाराष्ट्र में। इसका मतलब उस गुड्स पर जो जीएसटी चार्ज होगी वो सारी के सारी रेवेन्यू कौन रखेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, न कि राजस्थान गवर्नमेंट। तो भले गुड्स का प्रोडक्शन राजस्थान में हुआ हो, सेल करते समय गुड्स का मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है, राजस्थान से, पर अल्टीमेटली वो गुड्स कंज्यूम कहां हो रहा है, महाराष्ट्र। तो टैक्स सारा का सारा कौन रखेगा, पैसा सारा का सारा कौन सी गवर्नमेंट रखेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये जीएसटी का टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट तो पहले भी चल रहा था, लेकिन डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर? सो व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी इज अ कॉम्प्रेहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्लियर? मैं कुछ रीडिंग लगा रहा हूं पेपर्स, उसके बाद आप इसे नोट कर लेना, और जब भी आप सारे लेक्चर्स लेंगे तो आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, और मैं मटेरियल जब रीड करूंगा आपके पास में एक सेट होगा, आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर? नाउ मैं पढ़ रहा हूं पेज नंबर 2 के ऊपर, व्हाट इज जीएसटी, क्या समझाया था मैंने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ इन इंडिया इज अ कॉम्प्रेहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स That will be levied on every value addition. ठीक है? In simple word, GST is an indirect tax levied on supply of goods and service. वो तो heading से clear है, goods and service tax. GST law has replaced many indirect tax that is previously existed in India. मैंने कहा था ना, करीब करीब 17 ऐसे taxes थे जो कुछ state government लगाती थी, कुछ central government लगाती थी, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इन सारे टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स लाया है जीएसटी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नया आया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या है, फॉर एग्जांपल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन राजस्थान एंड आर सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर इन गुजरात, फाइनल जो कंज्यूमर बैठा था कहां था, गुजरात में, सिंस जीएसटी इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, इन दिस केस कंज्यूमिंग स्टेट कौन है, गुजरात, द एंटायर टैक्स रेवेन्यू विल गो टू गुजरात। भले प्रोडक्शन कहां हुआ है, राजस्थान में,
सेल कहां से हुई है? राजस्थान से. कंज्यूम कहां किया गया है? गुजरात में. तो इस ट्रांजेक्शन पे जो भी जीएसटी होगी वो गुजरात गवर्नमेंट रखेगी. क्लियर? उसका पूरा सिस्टम हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ एक लिस्ट मैंने दे रखी है कौन कौन से टैक्सेस जो पहले थे और सारे टैक्सेस खत्म हो गए, जिसकी जगह एक आया है जीएसटी. मैं जस्ट पढ़ रहा हूं. सेंट्रल टैक्सेस, कुछ ऐसे टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और साइड वाले कॉलम में लिस्ट दे रखी है उन टैक्सेस की जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, पर इन सारे टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी को लाया गया है. क्लियर? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती थी पहले, अब तो खत्म होगी, क्या सोचो आप. एंड स्पेशल सीवीडी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स सीएसटी, एंड सेंट्रल सरचार्ज एनसीएस, इन सो फार एज द रेट रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. पहले सेस भी लगता था, अब ये सब खत्म हो चुके, मतलब नहीं. इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी वेरियस तरह के टैक्सेस लगाती थी, वैट या सेल टैक्स, स्टेट सरचार्ज एनसीएस, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट. तो कुल मिला के इतने सारे टैक्सेस थे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जगह लगाती थी, सबको खत्म किया एक टैक्स, एंड दैट इज जीएसटी. वन नेशन वन टैक्स. क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट और ले लो, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. देखिए, वर्ल्ड में कई ऐसी कंट्री है जो जीएसटी बहुत पहले ही अप्लाई कर चुकी है, इंट्रोड्यूस कर चुकी है. हमने तो अभी अप्लाई किया, अभी इंट्रोड्यूस किया है. बट वर्ल्ड में कई कंट्री में से कुछ ऐसी भी कंट्री है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीएसटी लगाती है. ऑनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करती है. लेकिन हमने ड्यूअल सिस्टम अडॉप्ट किया है, दैट मीन्स हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी पावर है जीएसटी लगाने की, और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी है जीएसटी चार्ज करने की. क्लियर? ये क्या होता है, पूरा जीएसटी हम पढ़ेंगे, हर चीज समझ में आ जाएगी. क्लियर? सो वी हैव अडॉप्टेड ड्यूअल सिस्टम. पढ़ रहा हूं, इंडिया हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी विच इज इम्पोज्ड कॉन्करेंटली बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट साइमल्टेनियसली. सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है. क्लियर? सो हमने जीएसटी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, और इन तीन वर्ड में पूरा जीएसटी का नेचर है. इट इज कॉम्प्रेहेंसिव, मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. मेन जो नया कॉन्सेप्ट आया है, डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो कंज्यूमिंग स्टेट है, जहां वह गुड्स और सर्विस कंज्यूम की जाएगी, या जहां फाइनल कंज्यूमर बैठा है, वो स्टेट वो टैक्स का पैसा रखेगी. क्लियर? आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, पॉज कर देना. अगर आप क्लास में होते फिजिकली तब तो आपको पूरा टाइम मिलता, आप स्क्रीन को होल्ड पे रख दो एंड नोट कर लो. ठीक है, देखिए आप लोग, जीएसटी अभी अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है, तो मैं दो सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूं. एप्लीकेबिलिटी,
दो पॉइंट है. फर्स्ट, इंडिया में जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 2017 से. क्लियर, 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ जीएसटी अप्लाई हुआ है. 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, सब खत्म करके 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगाना शुरू किया गया है. क्लियर. सेकेंड जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, दिस प्रोविजन दैट इज जीएसटी लॉ, इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, और स्पेसिफिकली लिख रहा हूं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर. सो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा है, जिन लोगों ने जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स पढ़ा था उन्हें मालूम है सारी बातें, कि सर्विस टैक्स था वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, बट अब सर्विस टैक्स तो खत्म हो चुका है, उसके बारे में बात करना बेकार है. क्या उसके पीछे रीजन था, डिस्कशन भी अब इररिलेवेंट है. अब तो आपको ध्यान में रखना है जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर. पर यहां हमको मेन जो डिस्कशन करना है वो, भाई ये तो कह दिया कि जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मीनिंग क्या है. क्लियर. ये जीएसटी लॉ में डिफाइन कर रखा है कि इंडिया का मतलब क्या होगा. क्लियर. हम जो सोचते वो अलग बात है, एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है व्हाट इज इंडिया, और हम इसे डिस्कस करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझना. बट इंडिया की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ टर्म्स बोर्ड पे लिख रहा हूं, पहले मैं आपको उसका जनरल मीनिंग समझाऊंगा जो हमारे काम का है, उसके बाद हम इंडिया की डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे. क्लियर. कुछ वर्ड में लिख रहा हूं, एक तरीके से आप कह सकते हैं 4 टर्म्स, 4 ऐसी टर्म्स है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. फर्स्ट इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फुल फॉर्म आपको मटेरियल मिल जाएगी, इंडियन टेरिटोरियल वाटर. एक में वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. एक वर्ड यूज कर रहा हूं कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया. और एक वर्ड में लिख लेता हूं हाई सी एरिया. क्लियर. ये 4 वर्ड मैंने लिखे हैं, पहले मैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद में इंडिया की डेफिनेशन आपको बताऊंगा. क्लियर. 4 वर्ड, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, एंड हाई सी एरिया. क्लियर. नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन में कहूं या लैंड एरिया है, लैंड मास. इसका मतलब यहां पे इंडिया का लैंड एरिया खत्म हो जाता है, ये एक बेस लाइन है. ये सारे इंटरनेशनल लॉ में डिफाइन कर रखा है, आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं समझना है, बट जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका जनरल मीनिंग एटलीस्ट आना चाहिए. क्लियर. तो ये हमारे इंडिया का बेस लाइन है. क्लियर, लैंड मास. यहां से हमारा समुद्र का एरिया स्टार्ट कर रहा है, सी एरिया. क्लियर. इस बेस लाइन से हमको डिस्टेंस देखनी पड़ती है और अकॉर्डिंग इसका मीनिंग समझ में आएगा. क्लियर. जैसे बेस लाइन से लैंड मास से 12 न्यूटिकल माइल, ये समुद्र में जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करने का तरीका, जैसे किलोमीटर होता है, यह वर्ड यूज करते हैं न्यूटिकल माइल्स. बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, ये एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन टेरिटोरियल वाटर. तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर कितना होता है, अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, दिस इज इंडियन टेरिटोरियल वाटर. क्लियर. नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है ये होते हैं अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन. तो बेस लाइन से अगर मैं काउंट करूं तो
200 nautical miles. इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो आप बोल सकते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो कॉन्टिनेशनल शेल्फ ऑफ इंडिया. क्लियर? यहां तक सारी काउंटिंग कहां से होगी? बेसलाइन से. तो देखो ये एरिया इंडियन टेरिटोरियल वाटर भी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया भी है. क्लियर? लेकिन ये दोनों कहां से काउंट किए जाएंगे? नॉर्मली देखा जाए 12 न्यूटिकल माइल तक तो सब है. 12 न्यूटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया होता है और अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स तक, इसके लिए नॉर्मली हम बोलते हैं यार ये जो एरिया है ना ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कॉन्टिनेशनल सेल्फ ऑफ इंडिया है. दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 200 न्यूटिकल माइल. बट दोनों में फर्क है, ध्यान रखना. ये सारी बातें मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एग्जाम पर्पज के लिए इसका रिलेवेंस नहीं है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया ये तो एग्जैक्ट 200 न्यूटिकल माइल्स तक ही होगा, 200 न्यूटिकल माइल एग्जैक्ट. लेकिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया ये मैक्सिमम 200 न्यूटिकल माइल्स तक होगा, बट उससे पहले भी खत्म हो सकता है. कॉन्टिनेंटल सेल्फ वर्ड कब काम में लेते हैं? जैसे आप लैंड मास पे खड़े हो और आपको समुद्र में जाना है. समुद्र का मतलब एक बार गए तो फिर गए, फिर वापस आने के चांसेस नहीं है डेप्थ में. तो कैसे जाओगे? क्या आप लैंड मास से जंप लगा के सीधा समुद्र में आ जाओगे? नो. आपको एक डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. आप लैंड मास से धीरे धीरे समुद्र एरिया की तरफ जाओगे और आपको पता है धीरे धीरे पानी की डेप्थ बढ़ती रहेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंड हो जाएगा. और जहां पर वो एंड होता है वो एरिया कहां खत्म हो जाता है? कॉन्टिनेशनल सेल्फ ऑफ इंडिया. हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होता है? 200 न्यूटिकल माइल. तो जैसे आप लैंडमास पे खड़े हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो एग्जैक्ट कितना है? 200 न्यूटिकल माइल्स. पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया मैक्सिमम कितना होता है? 200. पर उससे पहले भी खत्म हो सकता है. आपने लैंडमास से जर्नी स्टार्ट करी, आगे की तरफ जा रहे हो, पानी का समुद्र का डेप्थ बढ़ रहा है और 80 न्यूटिकल माइल्स पर जाके ही एंड हो गया. इसका मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ 80 न्यूटिकल माइल्स पर खत्म हो चुका है, बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो 200 न्यूटिकल माइल्स ही होगा. बट ये आप लैंडमार्क से स्टार्ट कर रहे हो, जाए जा रहे हो, पानी का डेप्थ बढ़ रहा है, बट 220 न्यूटिकल माइल्स पर जाके एरिया आया एंड आप नीचे गए. तो कहां खत्म हुआ है? 220 न्यूटिकल माइल्स. तो फिर कहां खत्म कर देंगे? 200 न्यूटिकल माइल्स. क्लियर? सो इंडियन टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया मैक्सिमम 200 न्यूटिकल माइल, उससे पहले भी एंड हो सकता है. हालांकि आपके काम का नहीं है बट नॉलेज के लिए दे रहा हूं. ये जो 12 न्यूटिकल माइल्स होता ना इंडियन टेरिटोरियल वाटर, और एक्ट में हर जगह क्या रखा है? हर एक्ट में क्या रखा है? इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर. सो देखिए जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये आपके नॉलेज के लिए और आना भी चाहिए. किसी भी लॉ की अगर मैं बात करूं तो इंडिया हर जगह लिखा है इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर. इसका मतलब क्या हुआ कि अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स तक तो हर पर्पस के लिए इंडिया ही है. तो मान लीजिए अगर कोई लॉ दिल्ली में अप्लाई हो रहा है, जयपुर में अप्लाई हो रहा है, कलकत्ता में अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो एक्ट 1200 न्यूटिकल माइल्स तक भी अप्लाई होगा. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी लॉ को इस एरिया में अगर अप्लाई करना है तो स्पेशल प्रोविजन देने की जरूरत नहीं है. इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जस्ट फॉर नॉलेज. लेकिन 12 न्यूटिकल माइंस के बाद अप टू 200 न्यूटिकल माइंस की मैं बात करूं तो ये बेसिकली इंडिया नहीं है. इट इज नॉट इंडिया. हमारे पास सिर्फ यहां इकोनॉमिक राइट्स है. हम यहां से कोई मिनरल्स निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं. क्लियर? सिर्फ हमारे पास में इकोनॉमिक राइट्स है, अदरवाइज इंडिया नहीं है. और अगर इस एरिया में कोई भी लॉ अप्लाई करना है तो उस एक्ट में स्पेशल प्रोविजन डालना पड़ेगा
कि ये प्रोविजन इस एरिया में भी अप्लाई होगा, क्लियर। और 1200 न्यूटिकल माइल के बाद का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हाई सी एरिया। मीनिंग क्या होता है, ये एरिया 200 न्यूटिकल माइल के बाद कॉमन एरिया है, वर्ल्ड का कॉमन एरिया है। वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इस एरिया को फ्रीली यूज कर सकती है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एरिया किसी भी पर्पस के लिए इंडिया नहीं है। कैसे हो सकता है इंडिया वर्ल्ड का कॉमन एरिया, कोई भी कंट्री यूज करे, क्लियर। तो मीनिंग क्या हुआ, 12 न्यूटिकल माइंस तक तो हर पर्पस के लिए इंडिया, 12 के बाद 200 न्यूटिकल माइंस तक वैसे तो इंडिया नहीं है। इंडिया के पास सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स होते हैं और कोई भी एक्ट इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अप्लाई करना है तो एक्ट में स्पेशल प्रोविजन देना पड़ेगा, ये प्रोविजन यहां अप्लाई होगा। लेकिन 200 न्यूटिकल माइंस के बाद तो प्रोविजन दे भी नहीं सकते, ये तो इंडिया ही नहीं है, हाई सी एरिया है, वर्ल्ड का कॉमन एरिया है, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री फ्रीली यूज कर सकती है, क्लियर। तो बेसलाइन या लैंडलाइन, इससे अप टू 12 न्यूटिकल माइंस इंडियन टेरिटरी वाटर, 200 न्यूटिकल माइंस फ्रॉम बेसलाइन आइदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया और कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एग्जैक्ट 200 न्यूटिकल माइंस एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया मैक्सिमम 200 न्यूटिकल माइन, उससे पहले भी खत्म हो सकता है। और 200 के बाद हाई सी एरिया, ये किसी भी पर्पस के लिए इंडिया नहीं है, क्लियर। तो देखिए क्या डिस्कशन मैंने दिया, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वॉट इज इंडिया, ये मुझे आपके सामने डिस्कशन रखना था। बट रखने से पहले मैंने आपको कुछ और एक्स्ट्रा टर्म समझाई है जो इस डेफिनेशन के अंदर आने वाली है, क्लियर। अब मैं वो डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इंडिया का मतलब क्या होगा। नाउ व्हाट इज इंडिया, सेक्शन 256 में डिफाइन कर रखा है, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं शॉर्ट में ये कह रहा हूं, इंडिया का मतलब एज डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन यहां पर भी अप्लाई होगी। आप चाहे तो लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया मीन्स एज डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके साथ में आप लिख दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखा है, 29 तो स्टेट्स इसमें आएंगे और उसके अलावा 7 यूनियन टेरिटरी भी आएगी। आपको आइडिया होगा नॉर्मली यूनियन टेरिटरी जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है, क्लियर। सो 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी, और अगर आपको आइडिया है 7 में से भी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका अपना विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर, 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है, फर्स्ट इज दिल्ली और सेकंड इज पांडिचेरी, क्लियर। ये 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पांडिचेरी जिसकी अपनी विधानसभा है, अपना चीफ मिनिस्टर है, एमएलए है, सब कुछ है। इसका मतलब ये तो अलग से लॉ पास कर सकती है, लेकिन 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कह सकता हूं विदाउट लेजिस्लेचर, और 2 यूनियन टेरिटरी जो है ये क्या है, विथ लेजिस्लेचर, क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, इंडिया मींस इंडिया एज डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, इंडिया में 29 तो स्टेट है, 2 यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट विथ लेजिस्लेचर है दिल्ली और पांडिचेरी, और 5 और यूनियन टेरिटरी है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर। ये सारा डिस्कशन हम करेंगे, क्लियर। जीएसटी के लिए अलग प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, इंडिया मीन्स एज डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकेंड, इंडिया मीन्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलिंग सच वाटर। क्या लिखा है, इंडिया मीन्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ये वाला एरिया 12 न्यूटिकल माइंस के अलावा
सी बेड एंड सब सॉइल, दैट मीन्स इसके नीचे की जो जमीन है लैंड, वो भी क्या मानी जाएगी? इंडिया. समुद्र के नीचे भी जमीन तो है, दैट इज ऑल्सो इंडिया. थर्ड, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड एनी अदर मैरिटाइम जोन एज रेफर्ड टू इन पर्टिकुलर एक्ट. ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए दिया है. ये जो भी मैंने आपको डिस्कशन दिया है ना, ये जीएसटी में नहीं है. इसके लिए अलग से एक्ट बन रखे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्ट और अदर मैरिटाइम जोन एक्ट, वहां की ये डेफिनेशन है. तो सेकंड में क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज ये एरिया भी क्या माना जाएगा? इंडिया. एंड फोर्थ, एयर स्पेस एबो इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर. एबो इट्स टेरिटरी दैट मीन्स वॉट? लैंड मास एंड इंडियन टेरिटोरियल वॉटर. क्लियर? तो इंडिया का मतलब सिंपल आप समझ जाए, इंडिया का मतलब 29 स्टेट प्लस दो यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर एंड 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर. फर्स्ट. सेकेंड, इंडिया की डेफिनेशन में इंडियन टेरिटोरियल वॉटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया भी है. एंड थर्ड, अगर मैं दोनों को मिक्स करके रहूं तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर का एयर स्पेस एंड ग्राउंड स्पेस भी इंडिया की डेफिनेशन में आएगा. क्लियर? याद रखना, इसका जो ग्राउंड दिस इज 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद और अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स का एयर स्पेस एंड ग्राउंड स्पेस, ये इंडिया की डेफिनेशन में नहीं है. सो क्या डिस्कस किया? जीएसटी. जीएसटी कब से इफेक्टिव हुई है, एप्लीकेबल हुई है? 1 जुलाई 2017 से. कहां एप्लीकेबल होगी? होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. क्या मतलब होता है इंडिया का? तो फर्स्ट, इंडिया एज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या बता रखा है वहां? 29 स्टेट्स प्लस दिल्ली एंड पांडिचेरी, दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, प्लस 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर. हम डिस्कस करेंगे बाद में. नेक्स्ट, इंडिया मीन्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया, ये शामिल नहीं होगा. एंड थर्ड, इंडियन टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स का एयर स्पेस एंड ग्राउंड स्पेस भी इंडिया की डेफिनेशन में आएगा. क्लियर? बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि सारी डिटेल आपके आईपीसी से लेवल पर नहीं है. क्लियर? बट क्योंकि हमको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है. क्लियर? सो आपको कुछ लिखना है तो हेडिंग डाल सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया है. एक वर्ड और दे रखा है, अगर आप देखेंगे, फॉलोइंग शुड बी नोटेड, इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 न्यूटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ 200 न्यूटिकल माइल्स, कॉन्टिजियस जोन ऑफ इंडिया. हालांकि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, मटेरियल में दे रखा था आपके इंस्टीट्यूट के, तो मैंने भी दे दिया है. कॉन्टिजियस जोन ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है 24 न्यूटिकल माइल्स तक. अगर आप बेस लाइन से काउंटिंग करें तो 24 न्यूटिकल माइल, या इंडियन टेरिटोरियल वाटर के बाद काउंट करें 12 के बाद, और 12 ऐड कर दो तो 12 तक तो क्या इंडियन टेरिटोरियल वाटर, प्लस 12 और ऐड कर दें कॉन्टिजियस जोन, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 12 न्यूटिकल माइल्स तक तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर भी है, कॉन्टिजियस जोन ऑफ इंडिया भी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक भी है एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी है. 12 के बाद इंडियन टेरिटोरियल वाटर तो खत्म, बट अप टू 24 तक कॉन्टिजियस जोन ऑफ इंडिया भी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया भी है एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया भी है. बट 24 के बाद में बात करूं तो सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक और कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया ही रहेगा. क्लियर? बट इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है. लिखा लास्ट में हाई सी एरिया बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स. ठीक है, लिख दीजिए.
ठीक है। देखिए आप लोग, ये एक जनरल डिस्कशन था। मेनली अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी के बारे में जो मेन डिस्कशन होगा वो अब शुरू होगा। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और एक एक चीज को बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आगे जीएसटी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लोग बोलते हैं जीएसटी टफ है, बट बहुत सिंपल है। और एग्जाम पर्पस के लिए हम बात करें तो स्कोर करने में जीएसटी बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। एक और डिस्कशन में ले रहा हूं और हेडिंग डाल रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। मैंने कहा था ना, हमने ड्यूअल सिस्टम ले रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी चार्ज कर रही है। हमारे इंडिया में ये सिस्टम है। क्लियर। कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी में बेसिकली चार कंपोनेंट है। एक मैं शॉर्ट में टर्म ले रहा हूं सी जीएसटी, एक एस जीएसटी, एक यूटी जीएसटी और एक आई जीएसटी। क्लियर। सो चार कंपोनेंट हैं, फर्स्ट सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी। क्लियर। सी जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड इज यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। एंड फोर्थ इज आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। तो जीएसटी के टोटल फ्रेंड्स चार कंपोनेंट है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर। ना क्वेश्चन ये बनता है, इन चार में से कौन सा कंपोनेंट हमारे ट्रांजेक्शन पे लगेगा, चार में से कौन सा कंपोनेंट हमारे ट्रांजेक्शन पे लगेगा। दैट मीन हमने कोई सेल करी है, हमने कोई सर्विसेज दी है, तो इस ट्रांजेक्शन पे इन चार में से कौन कौन से टैक्स चार्जेबल होंगे। क्लियर। इन चार में से कौन सा कंपोनेंट लगेगा या कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सप्लाई, और लिख लेता हूं ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर। दैट मीन्स हमारे ट्रांजेक्शन पर सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सप्लाई पे। क्लियर। और ये जो सप्लाई है ना, ये दो तरह की होती है, सप्लाई दो तरह की होती है। फर्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरी होती है इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई विथ इन द स्टेट का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान का ही एक पर्सन है सेलर, और बायर भी कहां का है, राजस्थान का ही, दोनों पर्सन। मान लीजिए जोधपुर का एक पर्सन जोधपुर के किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि जोधपुर, दोनों ट्रांजेक्शन कहां हो रहे, विद इन द स्टेट। या जोधपुर का एक पर्सन जयपुर के किसी पर्सन को सेल कर रहा है, तो जोधपुर और जयपुर दोनों कहां है, राजस्थान में, तो सप्लाई विथ इन द राजस्थान है, सप्लाई विथ इन द स्टेट है, और ऐसी सप्लाई को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई।
क्लियर। दूसरी होती है इंटर स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स जब सप्लाई में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का एक पर्सन गुजरात के किसी पर्सन को सेल कर रहा है, दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, क्या बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का एक पर्सन था, मान लीजिए जयपुर का कोई पर्सन है और अहमदाबाद गुजरात में सेल कर रहा है, तो हम टर्म क्या यूज करेंगे, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, क्लियर। तो क्या डिस्कशन दिया, जीएसटी में चार कंपोनेंट होंगे, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड आईजीएसटी। इन चार में से कौन से जीएसटी हमारे सप्लाई हमारे ट्रांजेक्शन पे लगेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सप्लाई पर। सप्लाई दो तरह की होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सप्लाई विद इन द स्टेट, और इंटरस्टेट का मतलब होता है सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई का केस है तो दो कंपोनेंट चार्ज होंगे और दोनों के दोनों कंपोनेंट चार्ज होंगे। मान लीजिए राजस्थान का एक पर्सन राजस्थान के दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन के ऊपर सी जीएसटी तो चार्ज होगी ही होगी और साथ में होगी एस जीएसटी, और दोनों चार्ज होगी दोनों। मान लो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मेरे जीएसटी की रेट फॉर एग्जाम्पल 18% है, फॉर एग्जाम्पल, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ऑप्शन नहीं दो में से कोई एक, दोनों की दोनों लगेंगे, क्लियर। सो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी दो कंपोनेंट लगते हैं और दोनों के दोनों कंपोनेंट लगते हैं और इक्वल लगते हैं। अगर जीएसटी की रेट 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी सीजीएसटी का और 9% स्टेट गवर्नमेंट रखेगी एसजीएसटी के नाम से, क्लियर। अब ढंग से सुनना, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स लगाने की जो ऑथोरिटी है, दैट इज लेविड, लेवी एंड कलेक्शन, दोनों कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और टैक्स लगाने की ऑथोरिटी हमेशा कहां से मिलती है, किसी न किसी एक्ट से। तो सीजीएसटी लगाती कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देने के लिए एक्ट बना रखा है सी जी एस टी एक्ट 2017, दैट इज गुड्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप सीजीएसटी लगा भी सकते हो और कलेक्ट भी कर सकते हो। ढंग से सुनना, सीजीएसटी लगाने के लिए देर इज ओनली सिंगल एक्ट, हमारे यहां एक ही एक्ट है एंड दैट इज सीजीएसटी 2017। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही है कि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी चार्ज कर सकते हो, क्लियर। मैंने अभी कहा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों चार्ज की जाएगी, दो में से कोई एक नहीं, दोनों और बराबर चार्ज की जाएगी, इक्वल चार्ज की जाएगी, 9% अगर सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी। बट एसजीएसटी का मतलब क्या, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारे यहां पे स्टेट कितने हैं, 29 स्टेट है, क्लियर। तो जो 29 स्टेट है वो क्या चार्ज करेंगे, सीजीएसटी। सात यूनियन टेरिटरी भी तो है, पर सात में से दो यूनियन टेरिटरी जिसका अपना खुद का विथ ओन लेजिस्लेचर, जिसकी अपनी विधानसभा है, कौन से, एक था दिल्ली और दूसरा था पांडिचेरी, शॉर्ट में लिखा मैंने, क्लियर। इनकी अपनी विधानसभा है, तो देखो 29 स्टेट में तो सबकी विधानसभा है, विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, आराम से स्टेट एक्ट पास हो सकते हैं। दो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एंड पांडिचेरी,
बट उन दोनों यूनियन टेरिटरी की भी विधानसभा है, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, इलेक्टेड एमएलएज है, तो ये भी तो अपना कोई ना कोई कानून पास कर ही सकती है। क्लियर? तो इन लोगों ने 29 स्टेट और दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी ने एसजीएसटी चार्ज करती है, और ये एसजीएसटी चार्ज करने के लिए उन्होंने रेस्पेक्टिव जो है एसजीएसटी एक्ट पास किया है। क्लियर? तो राजस्थान ने अपना राजस्थान जीएसटी एक्ट पास किया, गुजरात ने गुजरात का, तो 29 स्टेट ने एक्ट पास किया। इसके अलावा दो यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर दिल्ली और पांडिचेरी ने भी अपना एसजीएसटी एक्ट पास किया। इसका मतलब ये एसजीएसटी चार्ज करने, 9% एसजीएसटी भी तो लगेगी, ये चार्ज करने के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट प्लस दो यूनियन टेरिटरी ने रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट पास किया है। तो देखो सीजीएसटी चार्ज, सीजीएसटी चार्ज करने के लिए, तो सीजीएसटी चार्ज करने के लिए तो एक सिंगल एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017। लेकिन एसजीएसटी तो स्टेट का मैटर है, हर स्टेट की अपनी अपनी रेवेन्यू है, हर स्टेट ने अपना अपना एक्ट पास कर रखा है, पर किसने, 29 स्टेट्स प्लस टू यूनियन टेरिटरी। क्लियर? पर देखो पांच यूनियन टेरिटरी ऐसे भी तो है जिसकी अपनी तो विधानसभा ही नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। अरे जब उसकी अपनी विधानसभा ही नहीं है, कहां बैठेंगे, कहां एक्ट को पास करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारे यहां पर एसजीएसटी तो हो नहीं सकती क्योंकि तुम तो एक्ट पास नहीं कर पाओगे, तो वहां हम एसजीएसटी की जगह क्या लगाएंगे, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल एक्ट बना दिया है जिसको कहते हैं यूटी जीएसटी एक्ट 2017। ये भी एक सिंगल एक्ट है। तो उन पांच यूनियन टेरिटरी जिसका अपना कोई विधानसभा नहीं है वो तो कोई एक्ट पास कर ही नहीं सकते, तो इन पांचों के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, सिंगल यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, सीजीएसटी कौन कलेक्ट करती है, कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन लगाती है, वो पर्टिकुलर स्टेट। इसी तरीके से यूटीजीएसटी कौन लगाएगी, वो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी, वो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी, जैसे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ लगाएगी। पर लगाने की पावर कहां से मिलेगी, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। क्लियर? तो याद रखना इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट, दो टैक्स लगेंगे। अगर 29 स्टेट या दो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है तो आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। बट वो पांच यूनियन टेरिटरी है जिसके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वहां अगर कोई सप्लाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ की कोई सप्लाई है तो इंटरेस्टेड विथ इन द चंडीगढ़ ही हुई है, क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी तो होगा ही, एसजीएसटी की जगह क्या लग जाएगा, यूटीजीएसटी। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये लिख लेता हूं, चलो मैं जगह नहीं मिल रही है, चलो मैं यहां लिखता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, अब आप अपने हिसाब से नोट कर देना, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सप्लाई है राजस्थान टू राजस्थान, इंट्रा स्टेट है इंटर स्टेट, राजस्थान टू राजस्थान, इंट्रा स्टेट, क्या चार्ज होगी, सीजीएसटी तो होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे जीएसटी की रेट जो है वो है 18%, बराबर, और गुड्स की जो वैल्यू है वो मान लो 1,00,000 रुपए, और ये ट्रांजेक्शन राजस्थान का राजस्थान में ही हो रहा है, इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी तो लगेगी लगेगी, तो सीजीएसटी कितनी लग जाएगी, सीजीएसटी 18% जीएसटी, तो 9%, दैट मीन्स 9,000। क्लियर? पर राजस्थान का तो अपनी विधानसभा है, राजस्थान गवर्नमेंट ये एक्ट पास कर चुकी है, खुद का स्टेट जीएसटी एक्ट, तो वो क्या चार्ज कर देगी, एसजीएसटी 9%, 9,000।
टोटल कितना हो जाएगा 18,000, ये 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, ये 9,000 स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। बट सपोज करो दिल्ली टू दिल्ली सेल हो रही है, दिल्ली की दिल्ली में, इंट्रा स्टेट या इंटरस्टेट? इंट्रास्टेट, ठीक है इंट्रास्टेट है, तो सीजीएसटी तो लगनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 9% 9,000। बट दिल्ली तो क्या यूनियन टेरिटरी है, तो क्या दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका अपना चीफ मिनिस्टर है? यस, अरविंद केजरीवाल। तो ये भी तो अपना जीएसटी एक्ट पास कर सकती है, तो भले ही यूनियन टेरिटरी है बट लगेगा क्या? एसजीएसटी 9%, अगेन कितना है 9,000, 18,000। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। पर फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में सेल हो रही है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट? इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, तो सीजीएसटी तो चार्ज होगी 9%, 9,000। चंडीगढ़ क्या स्टेट है यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी है? चेक करो, क्या इसका अपना कोई विधानसभा है? नहीं। अरे विधानसभा ही नहीं है तो एक्ट तो पास ही नहीं कर सकती, कैसे वो स्टेट जीएसटी लगा है? तो उसके लिए क्या लगा रखा है? यूटी जीएसटी 9%, 9,000। तो ये पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, लेकिन जो यूटी जीएसटी का पैसा वो कौन रखेगी? चंडीगढ़, क्लियर। बट सपोज करो राजस्थान ने गुजरात में सेल किया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंटर स्टेट। तो यहां पे एक ही कंपोनेंट लगता है, एंड दैट इज आईजीएसटी, क्लियर आईजीएसटी। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटर स्टेट, न तो सीजीएसटी, न एसजीएसटी, न यूटीजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा। ये आईजीएसटी कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इट इज लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट भी करती है, पर याद रखना ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में नहीं जाता है। आगे समझाऊंगा मैं, किसी न किसी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सीजीएसटी का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की रेवेन्यू है, तो कलेक्ट भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लगाती भी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और रखती भी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का पैसा किसका है? उस पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का। लगाते भी वो, रखते भी वो। लेकिन आईजीएसटी लगाती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा अपने फंड में नहीं रख सकती, ये स्टेट में शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका मैं सिस्टम आपको बाद में समझाऊंगा। तो मान लो मेरे एग्जाम्पल के अंदर राजस्थान से गुजरात में सेल हो रही है, हमारे एग्जाम्पल में जीएसटी की रेट कितनी? 18%। तो पूरा का पूरा क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी 18%। और मैं बोल दूंगा आईजीएसटी इज इक्वल टू 18,000 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, इसके लिए क्या बन रखा है? आईजीएसटी एक्ट 2017, सिंगल एक्ट है जो आईजीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, रखने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, पर ये पैसा कलेक्ट करने की पावर, पर ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती, किसी न किसी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। किसको? कंज्यूमिंग स्टेट को, जो मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर। सो क्या डिस्कस किया मैंने? देखिए थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा, क्योंकि राइटिंग तो है जैसी है, पर मेन चीज समझाना इंपॉर्टेंट होता है, और जब समझाने में मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं तो राइटिंग थोड़ी और खराब हो जाती है, क्लियर। आपको सारा रिटन मटेरियल मिलेगा, एक एक चीज उसमें अच्छे से लिखी हुई होगी, नॉलेज पर्पस और एग्जाम पर्पस दोनों आपका सर्व हो जाएगा, पर राइटिंग को सुधारना इस एज में थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। सो क्या डिस्कस किया मैंने? इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। चार कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड आईजीएसटी। चार में से कौन सा जीएसटी लगेगा हमारे ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा हमारी सप्लाई कौन सी है। सप्लाई दो तरह की हो सकती है, इंट्रा स्टेट, इंटरस्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सप्लाई विथ इन द सेम स्टेट, एक स्टेट के अंदर परचेज सेल,
इंटरेस्टेड, ऐसे ट्रांजेक्शन पे दो टैक्स लगेंगे और दोनों के दोनों लगेंगे। सीजीएसटी तो लगनी ही लगनी है, और ये सीजीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है? एक सिंगल एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम सीजीएसटी लगाओ, कलेक्ट करो और ये पैसा अपने पास रखो। इंटरेस्टेड सप्लाई पे सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी भी लगेगी, टोटल 31 जगह, 29 स्टेट और एक दिल्ली एंड पांडिचेरी, दो ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी अपने विधानसभा है, चीफ मिनिस्टर है, वहां क्या लगेगा? एसजीएसटी। ये एसजीएसटी लगाने के लिए इन 31 दैट इज 29 स्टेट और दो यूनियन टेरिटरी ने अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्ट पास किए हैं, लेकिन पांच यूनियन टेरिटरी ऐसे भी है जिसकी अपनी कोई विधानसभा नहीं है, वो एक्ट पास ही नहीं कर सकती। वहां एसजीएसटी की जगह क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगेगा, साथ साथ क्या लग जाएगा? यूटीजीएसटी। तो इनमें से कोई एक ही चीज लगेगा, 31 जगह एसजीएसटी, 5 जगह यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी के लिए गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 सिंगल एक्ट पास किया है जो 5 स्टेट यूनियन टेरिटरी पर अप्लाई होगा। बट अगर ट्रांजेक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और ऐसे ट्रांजेक्शन पर एक ही टैक्स चार्ज होगा, न सीजीएसटी, न एसजीएसटी, न यूटीजीएसटी, सिंगल आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स लगाने की ऑथोरिटी के लिए कौन सा एक्ट है? सिंगल एक्ट, आईजीएसटी एक्ट 2017। आईजीएसटी एक्ट 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगाओ, कलेक्ट करो, पर अपने पास रख नहीं सकते। इसको इसी तरीके से जो हम समझाएंगे, कंज्यूमिंग स्टेट में भेज देना। क्लियर? सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, सोच समझकर अच्छे से। थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते समय हैंडराइटिंग और ये प्रॉब्लम हो गई थी, बोर्ड थोड़ा शॉर्ट पढ़ने लग गया था, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आप पहले इसको लिख दीजिए, उसके बाद में मैं ये जो भी लिखा है समझाया, वो कहाँ लिखा है, मैं एक बार उसको रीडिंग लगा दूंगा ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं वो पेपर पढ़ रहा हूं जहां लिखा हुआ है, जब आपको मटेरियल आपके हाथ में आ जाए तो पेज नंबर 4 पे मैं कुछ पढ़ रहा हूं, एक प्लेन रीडिंग लगा रहा हूं, सारा समझा चुका हूं। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? इन चार में से क्या लगेगा? इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सप्लाई। फर्स्ट, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस दैट इज सप्लाई फॉर एग्जाम्पल विद इन द राजस्थान, क्या लगेगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, और कौन पावर देता है? देयर इज अ सिंगल एक्ट लेजिस्लेशन, सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर लिविंग सीजीएसटी। सेकेंड, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट, आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, रिपीटेशन होगा, दिल्ली एंड पांडिचेरी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए कौन सा एक्ट आया? हर स्टेट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन लेजिस्लेचर, दिल्ली एंड पांडिचेरी हैव देयर ओन स्टेट लेजिस्लेचर फॉर लिविंग एसजीएसटी। अब हम यूटीजीएसटी की बात कर लेते हैं, पांच यूनियन टेरिटरी, लेवी एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। तो तीनों है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी तो लगनी लगनी है, साथ में एसजीएसटी लगेगी,
या यूटी जीएसटी, डिपेंड करेगा 31 जगह है या 5 जगह है। क्या लिखा है, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप, थर्ड दादर एंड अगर हवेली, फोर्थ दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये 5 जगह है, आर गवर्न बाय यूटी जीएसटी एक्ट, सिंगल एक्ट फॉर यूटी जीएसटी लेवी। क्लियर। ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, सो गुजरात, क्या लगता है, सिंगल IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, IGST इज अप्रोक्सीमेटली द सम ऑफ CGST और SGST। अभी मैंने कहा जैसे 9% था, बट IGST तो सीधा कितना होगा 18%। IGST एक 2017 पास किया गया फॉर लिविंग IGST। नेक्स्ट इज द टैक्स स्ट्रक्चर अंडर न्यू रिजिम दैट इज GST विल बी एज फॉलोज। ट्रांजेक्शन, रिपीटेशन है, इंट्रा स्टेट सप्लाईज क्या लगेगा, CGST प्लस SGST, रेवेन्यू विल बी इक्वली शेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इंटरस्टेट सप्लाई क्या लगेगा, IGST, देयर विल बी वन टाइप ऑफ टैक्स, सेंट्रल टैक्स होगा इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल सप्लाई, द सेंट्रल विल देन शेयर IGST रेवेन्यू बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मैंने कहा था एक बार कलेक्ट तो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में कंज्यूमिंग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्लियर। एग्जाम्पल, अ डीलर इन महाराष्ट्र सेल गुड्स टू कंज्यूमर इन महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र में 10,000, क्या लगेगा, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट, क्या लगेगा, CGST एज वेल एज SGST, क्यों SGST, महाराष्ट्र स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है नहीं, दस GST रेट 18% है, तो इसमें CGST 9 और SGST 9। इन सच ए केस डीलर कलेक्ट 1800, वो बिजनेसमैन 1800 कलेक्ट करेगा, एंड दिस ऑफ दिस अमाउंट 900 विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बैलेंस 900 विल गो टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सेकेंड, द डीलर इन महाराष्ट्र हैज सोल्ड गुड्स टू डीलर इन गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात, इंटर या इंट्रा, इंटरस्टेट, 10,000 रुपए का गुड्स है, GST रेट 18%, पूरा का पूरा 18% क्या होगा, ओनली IGST। इन सच ए केस डीलर हैज टू चार्ज 1800 एज IGST एंड IGST रेवेन्यू विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट टू कंज्यूमिंग स्टेट। क्लियर। लिखा है यूनियन टेरिटरीज, अ यूनियन टेरिटरी का नॉलेज है, मैंने कहा भी था सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है यूनियन, तभी तो आपस में डिस्प्यूट होते रहते हैं। अ यूनियन टेरिटरी इज डायरेक्टली अंडर गवर्नेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस डिफरेंस देम फ्रॉम स्टेट विच हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा कंट्रोल किसका, इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट का। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, इस वजह से यूनियन टेरिटरी और स्टेट में डिफरेंस है। करंटली देयर आर 7 यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली एंड पांडिचेरी, दोनों को बोल्ड किया है, क्यों, क्योंकि दोनों का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। लिखा है एमंग्स दिस दिल्ली एंड पांडिचेरी हैव देयर ओन लेजिस्लेचर विद इलेक्टेड मेंबर, MLAs है, चीफ मिनिस्टर, हैंस SGST एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, क्योंकि विधानसभा है तो एक्ट पास किया जा सकता है, एज द SGST एक्ट कैन नॉट अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी विदाउट ओन लेजिस्लेचर, 5 यूनियन टेरिटरी, द GST काउंसिल हैज इंट्रोड्यूस यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 टू लेवी अ टैक्स कॉल्ड UTGST इन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, UTGST विल बी लेविड इन प्लेस ऑफ SGST। तो 5 जगह मैंने कहा था SGST नहीं लगेगी, UTGST लगेगी। क्लियर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, सब रिपीटेशन ही है। एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट। फर्स्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, इट एक्सटेंड टू होल इंडिया इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 1 बोलता है। स्टेट लॉ, स्टेट GST लॉ ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर एक्सटेंड टू होल ऑफ दैट स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी पर अप्लाई होगा, राजस्थान का राजस्थान में, दिल्ली का दिल्ली में। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है,
स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है एंड स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, मीनिंग क्या हुआ वो 29 तो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे आएंगे लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए दिल्ली एंड पांडिचेरी इसकी अपनी खुद की विधानसभा है इसे भी क्या माना जाएगा स्टेट, जब ये स्टेट है तो एसजीएसटी चार्ज होगी। यूटीजीएसटी एक्ट इट एक्सटेंड टू यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दादर एंड नागर हवेली दमन एंड द्वीप चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी दैट इज यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर एंड आईजीएसटी एक्ट इट एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, रिपीटेशन था क्लियर। सो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने डिस्कशन किया द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, क्लियर बेसिक पॉइंट थे, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए ठीक है। सो आप नोट करना चाहे तो आराम से नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट में मैंने रीडिंग लगाई थी या प्लेन रीडिंग लगाई थी सिर्फ इसलिए कि जो एक बार मैंने समझाया समझ लो, एक बार लिख दो और रिवाइज एंड थर्ड एक बार रीडिंग और लगा दे ताकि थर्ड टाइम हम और उसको डिस्कशन कर दे, अब आपको ये पॉइंट याद हो जाने चाहिए ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।